हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम कनेक्टिंग रॉड की स्टडी करेंगे और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कनेक्टिंग रॉड का परिचय, कनेक्टिंग रॉड का मटेरियल, कनेक्टिंग रॉड का कंस्ट्रक्शन, कनेक्टिंग रॉड के कार्य, कनेक्टिंग रॉड के प्रकार, कनेक्टिंग रॉड के बुश एवं बेयरिंग, कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग क्रश, कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग क्लियरेंस एवं कनेक्टिंग रॉड की इंस्पेक्शन के बारे में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिंग रॉड इंजन का वह भाग है जो पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट करता है। कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड पिस्टन पिन द्वारा पिस्टन से जुड़ा रहता है एवं कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है। कनेक्टिंग रॉड का कार्य है पिस्टन की गति या पावर को क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाना। पावर स्ट्रोक में पिस्टन को जो पावर मिलती है उसे कनेक्टिंग रॉड के द्वारा ही क्रैंकशाफ्ट तक ट्रांसफर किया जाता है। कनेक्टिंग रॉड ही पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशाफ्ट की रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। कनेक्टिंग रॉड मुख्यतः फोर्ज्ड स्टील की बनी होती है। यह हैवी लोड को सहन कर सकती है। इसके साथ साथ कनेक्टिंग रॉड को मैलियबल कास्ट आयरन, ग्रेफाइट कास्ट आयरन एवं एल्यूमिनियम अलॉय से भी बनाया जाता है। कनेक्टिंग रॉड के मुख्यतः तीन हिस्से होते हैं, स्मॉल एंड, बिग एंड एवं शैंक। कनेक्टिंग रॉड के ऊपरी भाग में एक आई होल होता है जिसमें पिस्टन पिन फिट रहती है। इस भाग को स्मॉल एंड कहा जाता है। कनेक्टिंग रॉड का निचला हिस्सा दो भागों से मिलकर बना होता है। इस भाग को कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड कहते हैं। कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड के दोनों भाग क्रैंकशाफ्ट के बिग एंड जर्नल पर नट एवं बोल्ट के द्वारा कसे जाते हैं। कनेक्टिंग रॉड का मध्य भाग शैंक होता है जो कि मुख्यतः आई सेक्शन में बनाया जाता है। आई सेक्शन होने से इसका वेट कम रहता है लेकिन मजबूती बनी रहती है। कनेक्टिंग रॉड के दोनों एंड में बुश या बेयरिंग लगे रहते हैं। कनेक्टिंग रॉड में स्मॉल एंड से लेकर बिग एंड तक एक होल ड्रिल किया जाता है। इस होल के माध्यम से लुब्रिकेटिंग ऑयल बिग एंड से स्मॉल एंड पे सप्लाई किया जाता है। संरचना के आधार पर कनेक्टिंग रॉड मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सिंगल पीस कनेक्टिंग रॉड एवं टू पीस या स्प्लिट कनेक्टिंग रॉड। सिंगल पीस कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड दो की जगह एक ही हिस्से में बना होता है। इसमें नीडल बियरिंग फिट की जाती है। टू पीस या स्प्लिट कनेक्टिंग रॉड वह कनेक्टिंग रॉड है जिसकी चर्चा हमने अभी इस वीडियो में की है। इसमें कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड दो पीसेस में बना होता है जिसमें शेल बियरिंग फिट किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कनेक्टिंग रॉड के बुश एवं बियरिंग के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह भी बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। आइए चलते हैं कनेक्टिंग रॉड के बुश एवं बेयरिंग की तरफ। कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड एवं पिस्टन पिन के बीच ब्रॉन्ज या गन मेटल के बने हुए बुश फिट किए जाते हैं। कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड पर लगे हुए बेयरिंग मुख्यतः लो कार्बन स्टील, कॉपर लेड अलॉय, कॉपर टिन अलॉय, टिन एंटीमनी अलॉय, टिन एंटीमनी कॉपर अलॉय, लेड इंडियम अलॉय, लेड ब्रॉन्ज अलॉय एवं टिन एल्यूमिनियम अलॉय के बने हो सकते हैं। बिग एंड बियरिंग दो पीस में होते हैं। ये दोनों ही पीस कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड के दोनों पीसेस में लगाए जाते हैं। इन दोनों पीसेस की आपस में मूवमेंट रोकने के लिए फ्लेंज का प्रयोग किया जाता है। कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड में बिठाई गई शेल बियरिंगों के क्रैंक पिन के साथ घूमने को रोकने के लिए बियरिंग क्रश का प्रयोग किया जाता है। इसमें बियरिंग को
बिग एंड से थोड़ा बड़ा बनाते हैं, जिससे इस कैप को कसने पर शेल बेयरिंग का पिछला हिस्सा अपनी सीट पर मजबूती से बैठकर मजबूत पकड़ बना लेता है। बेयरिंग क्लियरेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, रनिंग बेयरिंग क्लियरेंस एवं साइड बेयरिंग क्लियरेंस। रनिंग क्लियरेंस बेयरिंग एवं क्रैंक की सतह के बीच का क्लियरेंस होता है, साइड क्लियरेंस क्रैंक आर्म एवं बिग एंड थ्रस्ट साइड के बीच रखा जाता है। आमतौर पर कनेक्टिंग रॉड टेढ़ी नहीं होती, लेकिन कभी कभी प्री इग्निशन या डिटोनेशन के कारण यह टेढ़ी हो सकती है। कनेक्टिंग रॉड को फिट करते समय उसकी निम्न इंस्पेक्शन की जाती है। कनेक्टिंग रॉड की अलाइनमेंट को अलाइनमेंट गेज द्वारा चेक करते हैं। एंगल गेज द्वारा कनेक्टिंग रॉड की पैरेललनेस यानी समांतरता चेक की जाती है एवं कनेक्टिंग रॉड असेंबली की स्क्वायरनेस को भी एंगल गेज द्वारा चेक करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि यह इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रैंक शाफ्ट की स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।